दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। मेरे से अब आपका काम नहीं होगा, आप काम वाली रख लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। तुम्हारी वजह से खुद से प्यार करने लगी हो। हाँ मुझे जीना आ गया। आज अपनी शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर जब सभी रिश्तेदारों और मेहमानों ने कृष्णा जी के बदले रूप की तारीफ की तो वह अपने पति को इस बात का क्रेडिट देने से खुद को रोक नहीं पाई। आनंद जी ने कृष्णा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें इशारा किया, अगर तुम समझो तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है। कृष्णा जी और आनंद जी के दो बेटे और एक बेटी हैं। बेटी अपने ससुराल में खुश है, दोनों बेटे और वह उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन पहले कृष्णा जी ऐसी नहीं थी, हर समय घर में बहुओं के साथ टोका टाकी, कभी समय से नहीं उठती का रोना तो कभी उनकी पसंद का खाना ना बनने का रोना। आज सही नाश्ता समय पर नहीं मिला तो आज बहू ने घर की सफाई अच्छे से नहीं की। जब तक आनंद जी ऑफिस जाते थे उन्हें घर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। आनंद जी के रिटायरमेंट के बाद एक दिन बहू ये तुमने क्या बनाया, मटर की सब्जी, हमसे अभी इस उम्र में ये सब नहीं खाया जाता, मटर गोभी और अरबी बादी करते हैं, लेकिन तुम सुनती नहीं, तुम्हें अपनी पसंद का खाना बनाना। अरे हम बूढ़े बूढ़िया कहाँ जाएंगे मम्मी जी, अब मुझसे भी दो दो सब्जी नहीं बनती है, खाना बनाने वाली लगवा लो, जो आप कहोगी बना दिया करेगी। अलका बोली अब क्या यही दिन देखने को रह गए कि हम नौकरों के हाथ का खाना खाए। फिर फ्रिज खोलकर देखने लगी तो फिर लेक्चर शुरू, फ्रिज भी कितना गंदा पड़ा, कितने दिन की सब्जियां सड़ रही हैं। इस पर अलका मुंह बनाकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कृष्णा जी अपना और अपने पति का खाना लेकर कमरे में गई। सुनिए जी आज मटर को सब्जी से काम चला लीजिए, बहू को कितनी बार कह चुकी हूँ फिर भी वह यही सब बनाती है। कृष्णा मैं सोच रहा हूँ कि खाना बनाने वाली को बुला ही ले, इससे हमें भी मन पसंद खाना मिल जाएगा और तुम्हारा सिर दर्द भी कम होगा, जिससे बहुओं के साथ तुम्हारी रोज को बहस भी नहीं होगी, फिर तुम भी खुश रह सकोगी, मेरी तरह कहकर आनंद जी हंसने लगे। आपको तो हर बात मजाक लगती है, खाना बनाने वाली रख ले जिससे ये बहुएं हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाए, जितना घर में रुक रही है जितना भी नहीं देखेगी, क्या इनका फर्ज नहीं है सास ससुर को उनके हिसाब का खाना बना दे कर दे, क्यों नहीं है उनका भी फर्ज है, तुम उनको थोड़ी सी आज़ादी देकर तो देखो। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम हिल्टर की तरह उनके सिर पर नाचती हो, इसलिए वह जानबूझकर कुछ ना कुछ हरकत करती है, और ये जो तुम उनसे बहस करती हो उससे तुम्हारा सम्मान भी कम हो रहा है और तुम्हारा सिर दर्द भी बढ़ता जा रहा। बहू आने के बाद से तुम्हारे चेहरे का गलो बिल्कुल खत्म ही हो गया, अभी से 80 साल की लगने लगी हो, बीमार भी कितना रहने लगी हो, पिछले महीने ही तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, तब इन्हीं बहुओं ने तुम्हारी रात दिन सेवा की थी। हमारी बहुएं दिल को बुरी नहीं, उन्हें बस तुम्हारी टोका टाकी से थोड़ी आज़ादी चाहिए, तुम भूल क्यों गई, तुम भी तो अपना पसंद से काम करके खुश रहती थी। अम्मा कितना समझाती थी, तुम कमरे में आकर कितना बड़बड़ाती थी, आज जमाना बदल गया, अब बहुएं मुंह पर ही बोल देती है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, तुम्हारी दो दो बहुएं अपनी जिम्मेदारी उन पर छोड़कर आराम करो और अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश करो, ना कि ज़्यादा, और जिम्मेदारी के साथ उन्हें अधिकार भी दो, फिर देखना तुम कितनी खुश रह सकोगी। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें खुद से प्यार करना होगा, अगर तुम्हें खुद
से प्यार होगा तो तुम खुद इन परेशानियों से खुद को अलग कर लोगी। अगले साल हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है, अगर ऐसे ही रही तो ऐसा ना हो हमारा साथ 20 में ही छूट जाए। मैं तुम्हें उस दिन पुरानी कृष्णा के रूप में देखना चाहता हूँ। अब हम दोनों के पास समय, हमें ये समय एक दूसरे को देना चाहिए, ना कि घर गृहस्थी में लगे रहे। आनंद जी की बात ने कृष्णा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सही तो कह रहे थे, वह अभी से कितनी उम्र लगने लगी हो उनकी, शायद हर समय सोचने की वजह से कभी दर्द की समस्या तो कभी शुगर की। सही में जिंदगी उनकी है तो अपने बारे में खुद ही तो सोचना पड़ेगा। दूसरे लोग तो आपको समझा ही सकते हैं, उनके मन में अपराध बहुत पैदा हो गया अपनी बहुओं के लिए भी, क्योंकि उनकी मनसा बहुओं को दिल दुखाने की नहीं थी। वह तो यही सोचती थी कि वह घर को बड़ी है तो उन्हें ही ये सारी जिम्मेदारी और अधिकार अपने पास रखने चाहिए। अपराध बहुत अपने पति के लिए भी, जिन खूबसूरत पलों को वे दोनों पूरी जिंदगी ना जी पाए, वह पल जिंदगी के इस मोड़ पर दोबारा मिले तो भी एक दूसरे के साथ समय ना बिता कर गृह गृहस्थी में ही खोई हुए थे। यहाँ भी उनकी मनसा पति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नहीं थी, वो तो बस घर को संभालने में ही सब कुछ भूल चुकी थी। उस दिन से कृष्णा जी ने बहुओं के साथ टोका टाकी बंद करके अपने आप को टहलने, आनंद जी के साथ बात करने में व्यस्त कर दिया। पूरी जिंदगी जिन पलों को जीने की इच्छा मन में दबाए रहे, अब उन पलों को जीने लगे। बहुए भी टोका टाकी बंद होने से खुद को आजाद महसूस करने लगी। अब वो सास ससुर की पसंद पूछ लेती। आज उन दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह थी। आज कृष्णा जी के रूप बहुत बदला हुआ था। जिन रिश्तेदारों और मेहमानों ने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था, वह उनके उस रूप की तारीफ कर रहे थे। कृष्णा जी का मन ही मन अपने पति को धन्यवाद दे रही थी। शादी की सालगिरह का ऐसा मौका होता जिस पर हर औरत सुंदर देखना चाहती है, सही उसकी उम्र कितनी भी हो। आज सारी बातों से सरब होकर कृष्णा जी का चेहरा धमस रहा था, और हो भी क्या ना हो, उन्हें खुद से प्यार जो सो हो गया था, वो भी अपने पति की समझदारी की वजह से। दोस्तों ये सही है, हम घर में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि उससे होने वाले साइड इफेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन एक बार स्ट्रीक को आजमा कर देखिए, फायदा जरूर होगा।